ओह डियर, मैं फ़ोन करना भूल गया। एक्चुअली मीटिंग ज़्यादा देर चली तो इस वजह से बता नहीं पाया। मुंबई से निकल गया हूँ मैं और गोवा पहुँच जाऊँगा। हाँ, गोवा पहुँच जाऊँगा सुबह ही। गोवा पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो मैं पहुँच के कॉल करता हूँ, ओके। रखो रखो। सुनिए, हाँ कल आप गोवा जा रहे हैं ना? हाँ पर तुम्हें कैसे पता? मैंने आपकी फोन पे बात सुन ली, उससे पता चला। ओके कैसा मेरा एक काम करेंगे? काम? मेरे मॉम डैड गोवा में रहते हैं, ये खत जून तक पहुँच जाना है। मेरी एक मजबूरी है, सो मैं वहाँ नहीं जा सकती। पर गोवा में कहाँ? वो मैं बताती हूँ। क्या तुम मुझे जानती हो? यहाँ पे आने जाने वाले हर मुसाफिर को मैं जानती हूँ, पर मुझे पूरा विश्वास है आप ही वो काम कर सकते हैं। ठीक है, पहुंचा दूंगा गोवा पहुंचते ही। सुनिए, पर ये कल ही पहुंचाना है। ओके ठीक है। यस डिसोजा। हाँ, वही हूँ। आपकी बेटी ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। मेरी बेटी मोनिका ने? जी सर। कम कम भाभी क्या कहाँ मिली बेटा? सर मिली नहीं, मैं मुंबई से गोवा जा रहा था, मेरी मीटिंग खत्म करके, तो रास्ते में मेरे फोन पे बात हो रही थी। शायद उसने सुन लिया कि मैं गोवा जा रहा हूँ, इसलिए उसने आपसे मिलने का। कहाँ है वो और कैसी है वो? एक्चुअली सर मैं उसे जानता नहीं हूँ, रास्ते में मिली थी, उसने ये चिट्ठी दी है तो मैं लेके आ रहा हूँ। जरा पढ़ के बताएं। मुझे पता है आप मुझसे बहुत नाराज हो, पर मैं जोसेफ से बहुत प्यार करती हूँ, इस वजह से मैंने उससे शादी की थी। और मॉम भी बहुत नाराज़ होगी। मॉम से याद आया, मॉम की हेल्थ भी बहुत ख़राब है ना। मैंने कुछ पैसे जमा किए थे और घर से निकलने से पहले अलमारी के ऊपर रखे थे, पर आपको बताना भूल गई। वो पैसे ले लीजिए। अगर आपका गुस्सा कम हुआ हो गया हो तो आप मुझसे ये पते पे मिलने आई है। योर लविंग डॉटर मोनिका। पैसे अलमारी के ऊपर? ये कैसा पैसा? मेरी एक हेल्प करेगा? श्योर सर। यही अलमारी है। ठीक है, मैं देखता हूँ। Thank you.
सारे पैसे घर में ही थे। इन पैसों का पहले से ही पता होता तो शायद कोई बोरी करके बाहर को बचा था। सर मुंबई कब जा रहा है? सर 2 दिन के बाद मेरी फिर मीटिंग है, शायद 2 दिन के बाद मैं फिर जाऊंगा मुंबई। तो मेरा एक काम करोगे? श्योर सर, क्या काम? एक मोनिका के बाहर ये स्वेटर रखा था, उसको दे दो। क्या बात है, आज सर ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। अरे आ गया, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। कोई मोड़ी करके बाहर को पहुंचा था। कैसे रही मुंबई की? अच्छी रही, आके सब बताता हूँ तुम्हें। पीटर के घर। अच्छा तो ये बात है? बात इतनी सी नहीं है पीटर, वो जो पैसे थे वो सारे नोट नए थे। मोनिका का कहना है कि उसने घर छोड़ते वक्त अलमारी के ऊपर पैसे रखे थे, और डिसोजा कह रहे हैं कि मोनिका ने 7 साल पहले घर छोड़ा है। तुम्हें तो पता है सरकार ने 4 साल पहले करेंसी चेंज की है, तो ये सारे नोट नए कैसे? हो सकता है मोनिका ने किसी के हाथों से पैसे भिजवाया हो। नो नो पीटर, डिसोजा का ये भी कहना है कि जब से मोनिका ने घर छोड़ा है और उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उनके घर कोई आया गया नहीं। अरे अमन, तुमने तो चिट्ठी पहुंचा दी और उन्हें पैसे भी मिल गए, तो भूल जाओ उस बात को और ये लो। यही बात तो नहीं भूल सकता पीटर, यही बात मुझे बार बार परेशान करती है। तुम्हारी यही बात मुझे पसंद नहीं, हर एक छोटी छोटी बातों पे तुम परेशान होते रहते हो। इस परेशानी का एक ही हल है और वो है मोनिका। मोनिका? हाँ, मोनिका ही मुझे सारा सच बता सकती है। तो कब जा रहे हो मुंबई? 2 दिन बाद मुंबई मीटिंग है मेरी, और वैसे भी मोनिका के पिताजी ने दिया हुआ स्वेटर भी उसे देना है। ठीक है, तो इसी बात पे। इतनी रात को कौन हो सकता है? मिस्टर जोसेफ? यस, मोनिका जी से मिलना है। मोनिका से? आप कौन? मैं अमन, उसके पिताजी ने उसके लिए गिफ्ट दिया है। आइए। बैठिए। ओह यस सर। आप कुछ लेंगे? नो थैंक्स। आप कैसे जानते हो मोनिका को?
एक्चुअली 3 दिन पहले मोनिका मिली थी मुझे और उसने एक चिट्ठी दी थी उसके पिताजी को देने के लिए। तो जैसे मैंने वो चिट्ठी दी, उन्होंने उसके लिए गिफ्ट दिया है, वही देने आया हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? क्यों सर? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप साथ में नहीं रहते सर? 7 साल पहले जब हम दोनों ने शादी की, उस वक्त मोनिका की माँ बहुत बीमार रहती थी और उनके ऑपरेशन के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी। तो मैंने और मोनिका ने फैसला किया कि उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे ले चलते हैं। और हम दोनों निकल के कुछ दूर पहुँच ही गए थे, एक ट्रक ने पीछे से ठोक दिया। उस हादसे में मैं तो बच गया पर मोनिका को नहीं बचा पाया। वो रही मोनिका। बहुत प्यार करती हूँ, इस वजह से मैंने उससे शादी की थी। मैं तो बच गया पर मोनिका को नहीं बचा।